हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग टीसीएस एनक्यूटी का जो सेकंड स्टेप का रजिस्ट्रेशन, बहुत लोगों को ये मेल देखने को आ रहा होगा, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में कि ये मेल किसको आ रहा है, कौन बेस इसको रिसीव कर रहे हैं। और मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन कर रखे जो आप ही लोग की क्वेरी को मैंने उठा के यहाँ पर लिखा है कि व्हेन आई कंप्लीट इट शोइंग यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मतलब जैसे आप लोग को मेल आएगा सेकंड स्टेप करने के लिए, आप लोग में बहुत रजिस्टर कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग का ऑप्शन आ रहा होगा कि योर अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, उस केस में क्या करना है, अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं हो रहा है सर। व्हाट इज टीसीएस रेफरेंस आईडी नंबर, कैन वी यूज आवर ओल्ड रेफरेंस आईडी और वी हैव टू क्रिएट न्यू वन, आर सिटी डीटी रेफरेंस नंबर सेम और डिफरेंट, वेयर टू फाइंड इट। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको पहले आप लोग क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो मेल आया होगा, एक बार मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। फिर आप एक बार मेल देखिएगा। ठीक है, इन डियर कैंडिडेट, यहाँ पर देखेंगे तो टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग रजिस्ट्रेशन नॉट कंप्लीटेड, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल अपीयर इन द टीसीएस एवेल्युएशन प्रोसेस रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंप्लीट योर टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म लेटेस्ट बाय 5 अप्रैल 6 PM। देर आर टू स्टेप्स व्हेन इट कम्स टू कंप्लीट द टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप वन है आपका टू रजिस्टर, आप लोग का ये डिफरेंट डेट आएगा। ठीक है, आप लोग का डिफरेंट डेट भी हो सकता है ये वाला, टू रजिस्टर विद टीसीएस nextstep.com अंडर आईटी एंड रेफरेंस आईडी नंबर पासवर्ड जनरेटेड ईमेल आईडी एंड थ्रू SMS। स्टेप टू में आपको बोला गया है टू यूज द एवर मेंशन क्रेडेंशियल टू लॉग इन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द फॉर्म। इन केस यू डू नॉट रिमेंबर योर क्रेडेंशियल प्लीज क्रिएट अ न्यू अंडर अकाउंट आईडी। देखो, अब मैं आप लोगों को मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग जब टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाने से पहले अपने वेबसाइट ब्राउजर का, जो भी ब्राउजर का कैसे एंड कुकीज़ को क्लियर कर दो, उसके बाद अपने इग्निटो मोड में उसको लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद अगर आपका स्टिल उसी ईमेल आईडी से आपका शो करता है कि आपका जो अकाउंट है ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड है, तो एक काम करो उसी अकाउंट से लॉगिन करो और अपना चेक करो अपना स्टेटस में। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप का जो स्टेटस होता है, जहां पर आपने ट्रेस माय एप्लीकेशन देखते हो, अगर आपका वहां पर अप्लाइड फॉर अ ड्राइव दिख रहा है, जैसे कि इन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है, देखेंगे फिल, जैसे आप यहाँ पर जाओगे अपने ट्रेस में एप्लीकेशन में, आपके यहाँ पर शो करेगा अप्लाइड फॉर ड्राइव। ठीक है, आपका ये ऑप्शन शो होना ही चाहिए। ठीक है, और बहुत लोग बोलते हैं सर कि भाई जो अप्लाइड फॉर ड्राइव का और डेट है वो डिफरेंट। देखो, डिफरेंट इसीलिए आ रहा आप लोग क्योंकि आप लोगों को जब अभी ये मेल आया है, तो आप लोग का जो ये आप जब इसमें रजिस्टर करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये जो डेट है आपका, अगर आप नया क्रिएट करोगे तब चेंज होगा, अगर आपका पुराना वाला है ये तो वो अपडेट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, देखो ये जो ऊपर में है ना सीटी, मेरा जो नंबर है ये जो 2018 में मैंने बनाया था, और यहाँ पर 82 ये जो 24 है डेट है आपका, और यही आपका जो सीटी डीटी रेफरेंस यही होता है। ठीक है, और आपको मेल में भी डीटी रेफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, जो मैंने अभी आपको दिखाया सिटी डीटी रेफरेंस, आप लोग को वही उसी सिटी डीटी रेफरेंस को वापस सेंड कर देना है। ठीक है, अगर इससे पहले अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहेगा ना, आप लोग उसको मेल भी कर सकते हो। देखो, अगर आप लोग नया अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो बहुत लोगों ने ये ट्राई करा था, बहुत लोगों ने नया अकाउंट क्रिएट करा, लेकिन उन लोगों का जो है अप्लाइड फॉर अ ड्राइव का ऑप्शन नहीं शो कर रहा था। क्योंकि देखो, अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन तभी शो करता जब आपका हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन टैब ओपन होता है, तब, और ये तब ओपन होता है जब पर्टिकुलर किसी बैच को कंपनी हायरिंग करती है। तो ठीक है, तो अभी आपका शो नहीं होगा। अगर इन केस अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अपने ब्राउजर का कुकीसन कैसे क्लियर करो, अगर आपका अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन शो कर रहा है नया डेट में, तो यार आप लोग की अच्छी बात है, आप लोग उस रेफरेंस आईडी को उठा के उनको वापस सेंड कर दो, उनको मेल कर दो जिस एचआर ने आपको मेल करा है। अगर आप लोग नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं हो रहा, तो आप उस ईमेल आईडी उस सिटी डीटी रेफरेंस को मत भेजिएगा। मेरी बातों को आप लोग समझिएगा, आप लोगों ने लॉगिन करा, आप लोगों को दिखा रहा है कि अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप लोगों को उसी अकाउंट से लॉगिन कर लेना है और अपना स्टेटस चेक करना, आपका अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर शो कर रहा है, भले ही डेट आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी का भी हो, लेकिन आप लोग उसी डीटी रेफरेंस को सेंड कीजिएगा, पहला बात कंप्लीट। दूसरा ये, अगर आप लोग लॉगिन करते हो, अगर आपका नया अकाउंट क्रिएट करते हो दूसरे ईमेल आईडी से, तो अगर आपका उसमें अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन आता है तो बढ़िया, अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको आप उसी TCS नेक्स्ट स्टेप के अपने प्रोफाइल का सिटी डीटी रेफरेंस सेंड करो जिसमें अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन हो रहा, भले वो पुराना हो या फिर नया हो। जब आप नया अकाउंट क्रिएट करोगे, आपको अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको उस अकाउंट के सिटी डीटी रेफरेंस को नहीं सेंड करना है। मैं बातों को आप लोग फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आप लोग को आ जाएगा। ठीक है ना, व्हाट इज TCS रेफरेंस आईडी, मैंने बता दिया आपको, जो सिटी डीटी रेफरेंस मैंने आपको दिखाया अभी, वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन बेसिकली आप जब मेल करोगे TCS टीम को, HR टीम को, तो आप लोग DT से मेंशन कीजिएगा, जैसे DT 2020 जो आपका डीटी रेफरेंस रहेगा, आप लोग सिटी जब डीटी रेफरेंस कीजिएगा, या फिर आप दोनों को ऊपर नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, सीटी अपना जो नंबर है वो, फिर नीचे में डीटी, फिर आपका जो नंबर है नीचे में वो, फिर उनको मेल कर देना है। कैन वी यूज आवर ओल्ड रेफरेंस आईडी और वी हैव टू क्रिएट न्यू वन। देखो,
अगर आप लॉगिन करते हो, आपका दिखाता है ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड, अगर आप फिर से नया अकाउंट क्रिएट करते हो नई नई ईमेल आईडी से, अगर आपका उस नया जो आप अभी क्रिएट करोगे नया वाला, अगर उसमें आपका अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता है तो आप वो अकाउंट मत देना। अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करते हो, अगर उसमें आपका अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन शो हो जाता है तब आप वो दे सकते हो, अदरवाइज पुराना वाला ही दीजिएगा। RCTT नंबर सेम, यस दोनों सेम होते हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं होता। कहाँ मिलता है आपको मैंने बता दिया आपको, आपको TC नेक्स्ट स्टेप में लॉगिन करना और वहाँ आपको ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये किस बैच को आ रहा है, ये आपका फरवरी के कुछ स्टूडेंट्स को अभी आ रहे हैं जो फरवरी में NQT एग्जाम दिए थे और मार्च के लोगों के बहुत सारे लोगों को ये आ रहे हैं। फ्रेंड अब मेरा जो लिंक है, ग्रुप लिंक है, वो आप लोग मेरे अपने रीज़न के हिसाब से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिलहाल तो सारे के सारे रीज़न का मैंने ग्रुप बना दिया। अगर कोई ग्रुप लेफ्ट होगा, मतलब कोई रीज़न लेफ्ट होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपना जो भी क्वेरीज वगैरह होगा उस आप एक काम कीजिएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में ही पूछिएगा। तो क्या होगा, इसे मैं आप लोग अगर मैं आपका रिप्लाई करता हूँ या फिर कोई बंदा आपका रिप्लाई करता है तो उससे क्या होगा, सभी को उससे बेनिफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड होप करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।